येस हैलो एवरी वन ए वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल जी हाँ सो so, आज मैथेमेटिकल इकनॉमिक्स की सीरीज़ शुरू है जिसका आज पहला पार्ट थ्यूरी ऑफ सेट्स हम करने वाले हैं एक बार फटाफट से लाइक like शेयर कर दीजिए और थम्सअप दे के बताइए कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है uh, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यस इज एवरी थिंग फाइन लिंक सबको मिल गया है टेलीग्राम पे अभी अभी डाला है मैंने ओके okay. ओके ओके ए वेरी गुड इवनिंग सो लेट्स स्टार्ट द सेशन थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका स्टैट्स वाला पोर्शन एंड मैथ्स वाला पोर्शन मैं आपको यूट्यूब पर करवाऊंगी फ्री में प्लस वाली क्लासेस में नहीं फ्री में करवाऊंगी सो so, सबसे पहले देख लीजिए अन अकेडमी पर uh, फ्री सब्सक्रिप्शन का जो ट्रायल चल रहा है देखिए आज लास्ट डेट है उसकी आज थर्ड ऑफ मई है ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देती हूँ जैसे ही आप सबसे पहले अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करते हैं ना तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है आपको जैसे मोबाइल नंबर ऐड करेंगे तो ओटीपी आएगा उस ओ को यहाँ पे भर के वेरीफाई करेंगे उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करेंगे अब आप यूजीसी नेट वाले हो तो एंट्री यूजीसी नेट गोल अपना इसमें से ढूंढ के सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे एक्टिवेशन कोड 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 एक्टिवेशन एक्टिवेशन जैसे ही आप एक्टिवेशन लगाते हैं तो आपका जो फ्री ट्रायल है वो एक्टिव हो जाएगा और अभी आप सारी प्लस क्लासेस सिर्फ मेरी ही नहीं दूसरे एजुकेटर्स की भी देख पाएंगे ठीक है तो यहाँ से आप फ्री ट्रायल आपका एक्टिव ये वेबसाइट का बताया हुआ है अन डॉट कॉम का आप ऐप पर डाउनलोड करके सारा देख सकते हैं ठीक है जी सो पता लग गया अब आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज के आज इस फ्री ट्रायल को यूज ना करें बिकॉज ऐसे मौके बार बार नहीं आते है ना एकदम फ्री ट्रायल है और आज इसकी लास्ट डेट है तीन मई सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं हम थ्यूरी ऑफ की yes. तो सबसे पहले समझिए आखिर ये मैथमेटिकल टर्म सेट्स ये होता क्या है बेसिकली सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या मतलब होता है सेट का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजियर सेट ऑफ होल नंबर है ना बट सेट में कौन सी चीज नहीं आती जो इनफाइनाइट होती है जैसे कि स्टार्स इन द स्काई सेट नहीं होंगे क्योंकि इनफाइनाइट है आपको पता ही नहीं कितने हैं अगर मैं कहूं ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास क्या ये सेट है नहीं है क्या डेफिनेशन है ब्यूटीफुल की है ना सो दैट्स वाई जो चीजें हम फाइनाइट पर्टिकुलर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फाइनाइट है इतनी ही है वही सेट्स में आएंगी इनफाइनाइट चीजें हमारी सेट में नहीं आती ठीक है अब हम यहाँ पे uh, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना सेट्स की यूनियन एंड इंटरसेक्शन उनके बारे में समझते हैं यूनियन क्या है सेट्स का और इंटरसेक्शन क्या है सेट्स का अगर मैंने आपको ए, एक सेट दिया one, two, three, four, और मैंने बी सेट दिया सेवन एट फाइव और आपको इसका यूनियन निकालना है। यूनियन मैं तब निकालूंगी अगर मुझे स्टेटमेंट में क्या हो? और वर्ड दिया हो और वर्ड दिया हो ए और बी तब मैं उसका यूनियन निकालूंगी ठीक so है सो यूनियन निकालना कैसे One, two, three, four, five, seven, eight. जो चीज़ हो रही है ना उसको एक ही बार लिखने है, दो बार नहीं। अब इसी का मुझे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में अगर आपको एंड दिया हो तो आप इंटरसेक्शन लगाएंगे इंटरसेक्शन में कॉमन कॉमन क्या है दोनों में फाइव तो ये आ गया आपका इंटरसेक्शन समझ गए दिस इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स अभी इसमें आपके आगे आते हैं लॉज तो ध्यान से इन लॉज के बारे में समझिएगा क्योंकि इस बार ना आपको एग्जाम में इन लॉज से क्वेश्चन आया था कम्यूटेटिव लॉ कम्यू सबसे पहले पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इस बार क्वेश्चन आया था अगली बार आने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एक दो बार पहले भी एग्जाम में ये पूछा गया है ठीक है कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है अगर मैं A का यूनियन बी लेती हूं ए यूनियन बी ये किसके इक्वल होगा किसके इक्वल होगा बी यूनियन ए के मतलब ए का यूनियन बी और बी का यूनियन सेम चीज है ए यूनियन बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी यूनियन ए ठीक है इसी तरह अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी ले रही हूं इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए ये कम्यूटेटिव लॉ पूछा जाता है इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सेट्स के बारे में ठीक है तो यू मस्ट नो दिस ठीक है इसी तरह एक होता है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है एसोसिएटिव लॉ लेट सीट एसोसिएटिव लॉ अब इसमें क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी ध्यान से समझेगा ब्रैकेट में कहां पे डाल रही हूं बी यूनियन सी पे चीज किसके इक्वल होगी ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट का डाल रही हूं यहां पे ठीक है दिस थिंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस इसी तरह इंटरसेक्शन का कर दो इफ आई राइट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है समझ गए दीज आर टिव एंड एसोसिएटिव लॉ तीसरा इसका लॉ है तीसरा इसका लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है ध्यान से देखिए ए इंटरसेक्शन पहले मैंने इंटरसेक्शन किया फिर बी यूनियन सी किया ठीक है दिस थिंग इज एक्जैक्टली इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ए ब्रैकेट को खोल दो बस ए इंटरसेक्शन बी देन देन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी ठीक है इसी तरह इसका उल्टा देखिए यहां पे इंटरसेक्शन लिखा था या यूनियन लिख दिया यहां पे यूनियन लिखा यहां पे इंटरसेक्शन लिख दिया ये चीज अब ये चीज किसके इक्वल होगी बताइए जस्ट ब्रैकेट खोलना है ए यूनियन बी बीच में आएगा इंटरसेक्शन यूनियन ये ठीक है सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ सेट कम्युटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है ये बराबर रहते हैं ये आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज में एक्जैक्टली exactly पूछा जाता है इसके अलावा इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी समझने से पहले यू मस्ट नाउ की नल सेट क्या होता है नल सेट क्या होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वैसे होती है ए यूनियन नल इज इक्वल टू ए इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन नल कर लोगे वो भी ए होगा ए इंटरसेक्शन नहीं एक मिनट ए इंटरसेक्शन नल करोगे ना तो वो आपका दैट विल बी इक्वल टू दैट इज नल नल जरूर होगा उसमें एक. क्या देखिए समझते हैं. नल सेट का मतलब है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है अब मान लो मेरे पास ए सेट है एलिमेंट मतलब no ही नल है अब मुझे अगर दोनों का यूनियन निकालना है और जब भी आप कोई सेट लिखते हो ना तो बाय डिफॉल्ट उस, उसका सबसेट नल होता ही होता है यानी कि मैं मेरे पास ए सेट है ए के कितने सबसेट हैं आपको दिख रहे हैं ए के चार सबसेट बट इसके चार सबसेट नहीं है इसके पांच है पांच है कैसे एक नल नल होता ही होता है हर सेट में मतलब कोई भी नहीं नल वन टू थ्री फोर ये है आपके ए के सबसेट ठीक है अब अगर मैं इसका यूनियन निकालती हूँ ए सेट एंड नल सेट का यूनियन निकालती हूँ तो मेरे पास वो ए ही आ जाएगा दैट इज नल वन टू थ्री फोर दिस विल इक्वल टू ए ए है ना यही चीज लिखी अब इसी तरह मान लो ये ए सेट है और ये नल सेट है और इनका मैंने कॉमन निकालना है दैट मुझे इंटरसेक्शन निकालना है यूनियन की बजाय कॉमन निकालना है कॉमन क्या आ जाएगा जैसे मैंने कहा एक सेट में नल तो होता ही चाहे वो लिखा जाए नहीं लिखा बट नल होता ही होता है है ना तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा कॉमन कौन सा है दोनों में इंटरसेक्शन ये नल कॉमन है सो ए इंटरसेक्शन नल विल बी इक्वल टू नल समझ गए इस प्रॉपर्टी को ठीक है फाइन अब इस, इसके अलावा एक चीज और है यहां पे कुछ और चीजें समझिएगा द अदर थिंग्स ए यूनियन ए विल बी इक्वल टू ए इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू ए एक सेट का उसके साथ ही यूनियन कर दू बने सेट का उसके साथ ही इंटरसेक्शन कर दू ब इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ए हाउ इट्स पॉसिबल और एंड ए यूनियन यूनिवर्सल ए यूनियन यूनिवर्सल विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल अब आप कहोगे ये यू फॉर यूनिवर्सल क्या है आई विल एक्सप्लेन यू वट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट ठीक है ये प्रॉपर्टीज नोट करिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यू यानी के यूनिवर्सल सेट क्या होता है फिर आपको ये चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी वैसे ही समझ में आ जाएगी यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स मान लो मैं यूनिवर्सल सेट बना रही हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये यूनिवर्सल सेट है और ए सेट है मेरा वन टू थ्री फोर और बी सेट है मेरा फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है यूनिवर्सल सेट का मतलब टोटल एलिमेंट्स जो मेरे सभी सेट्स में आ रहे हैं टोटल एलिमेंट्स सिंपल सी बात है यूनिवर्सल सेट ऑप्टेन बाय थ्रोइंग ए डाइस

ठीक है तो इसमें वो क्या कहता है कि अगर ए का इंटरसेक्शन यूनियन से करूं ये मेरा यूनियन है ये ए है इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं तो क्या आएगा कॉमन क्या है इसमें वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए है ना यानी कि ए इंटरसेक्शन यूनियन विल बी इक्वल टू ए समझ गए अब ए यूनियन ए अगर मुझे निकालना है अगर मुझे ए यूनियन ए निकालना है तो क्या आएगा इक्वल टू यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इक्वल टू ए समझ गए मैं आपको हर चीज की एग्जाम्पल हर देके समझा रही हूँ ताकि आपको याद ना ये चीज रखनी पड़े आप एग्जाम में कोई भी उसका एग्जाम्पल लेके खुद सॉल्व कर सके भूल जाती है ना प्रॉपर्टी उसका एग्जाम्पल लेके कुछ सॉल्व करके देख लो यही आएगा ठीक है नल सेट सेट का जैसे कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है अगर मैं कहूं इज ए ऑफ मैरिड बैचलर एक्स एक सेट है जिसमें मैरिड बैचलर है यानी कि बैचलर है और मैरिड भी है तो क्या आएगा इसका जीरो ही होगा कोई ऐसा होता है कि मैरिड भी और बैचलर भी नहीं ना नल सेट ऐसा होता है आगे हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट के ऊपर द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यूनिवर्सल सेट से ही बनता है देखिए मान लीजिए मेरे पास अब वही वाली सेम यूनिवर्सल सेट ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है इसमें से मैंने एक ए सेट निकाल लिया वन टू थ्री तो कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो मेरे यूनिवर्सल सेट में हैं बट ए में नहीं है सिंपल यूनिवर्सल सेट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट uh, सेट का मतलब है अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूं इस ए सेट के एलिमेंट्स को तो कौन से आ गए मेरे पास दैट इज फोर फिफ्थ फाइव सिक्स दिस इज माई कॉम्प्लीमेंट सेट ठीक है दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सेट जो ए के साथ मिलके यूनिवर्सल को पूरा है ये आपका कॉम्प्लीमेंट सेट होता है अब इसी कॉम्प्लीमेंट सेट के सहारे सेट थ्योरी में एक डी मॉर्गन लॉ बनाया गया है डी मॉर्गन लॉ बनाया गया अब ये लॉ क्या कहता है डी मॉर्गन लॉ देखिए इस लॉ में कहा गया है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए ए यूनियन बी करके उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए इट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट समझे बात को एक और एग्जाम्पल देती हूं कॉम्प्लीमेंट सेट की मान लो मैंने यहां पे यूनिवर्सल अब आप बताओगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा ठीक है यू विल टेल मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा यूनिवर्सल सेट इफ आई विल राइट एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नंबर लेस देन सिक्स ये यूनिवर्सल सेट है नहीं लेस देन इक्वल टू कर लो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू सिक्स ठीक है और ए दिया हुआ है मुझे ए दिया हुआ मुझे वन टू थ्री सो बताइए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आएगा वट कंप्लीमेंट सेट इन दैट केस हाँ सिंपल है कंप्लीमेंट सेट मेरा आ जाएगा फोर फाइव सिक्स बस समझ आ गई ना यही चीज चलो ये हो गए आपके लॉज अभी आगे देखिए एक मिनट कोई रेस कर दू कि नई स्लाइड स्लाइड ऐड कर लूं ओके आई विल ऐड न्यू स्लाइड हियर लेट्स सी अब यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बताती हूँ सेट्स की फर्स्ट वन इज डिस करके, इनके वो ज्वाइंट नहीं है है ना सो डिसंट सेट का मतलब है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही ना जैसे मैंने एक सेट बना दिया ऑल ऑड नंबर्स का और बी सेट बना दिया ऑल इवन नंबर्स का क्या इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है नहीं तो ये आपके डिसज्वाइंट सेट्स हो गए ए एंड बी हियर आर सेट्स ठीक है ए होते हैं इक्वल सेट्स क्या नाम है इक्वल सेट्स सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स का मतलब है दो सेट्स तभी इक्वल होंगे अगर दोनों के एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेम जैसे ए में मेरे हैं वन टू थ्री फोर और बी में मेरे हैं वन टू थ्री फोर ये तो हो गए इक्वल सेट्स साफ नाम से पता चल रहा है बट एक और होते हैं उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं इक्वल नहीं इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं ये अलग है इक्विवेलेंट सेट्स क्या है इक्विवेलेंट सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है कि जब एलिमेंट्स सेम ना हो बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो क्या कहा मैंने एलिमेंट्स आर नॉट सेम बट देयर नंबर इज सेम बट देयर नंबर इज सेम जैसे ए है मेरे पास वन टू थ्री और बी है मेरे पास एक्स वाई जेड ठीक है दीज आर इक्विवल समझ गए इसके बाद आता है सबसेट व्हाट इज कॉल्ड सबसेटिंग यहां पे लिखती हूं सबसेट क्या होता है दोबारा वैसे मैंने पहले भी बताया था दोबारा से बता दे। अगर मेरे पास ए है वन टू थ्री फोर और b है 1 2 3 देन मैं यहाँ पे साफ-साफ बोल सकती हूँ कि b इज ए सबसेट ऑफ a b इज ए सबसेट ऑफ a साफ-साफ नजर आ रहा है आई कैन राइट इसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं b सबसेट ऑफ a, a क्योंकि b जो है वो a का हिस्सा है a का पार्ट है तो यू कैन से b इज ए सबसेट ऑफ a ठीक है इसके बाद पावर सेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट पावर सेट क्या होता है पावर सेट का मतलब होता है एक सेट के सभी सबसेट्स दैट आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट जैसे मेरे पास एक सेट है वन टू थ्री फोर फाइव तो पावर सेट मेरा क्या बनेगा वट विल बी द पावर सेट पावर सेट बनेगा इसके सारे सबसेट अब इसका सबसेट वन भी है टू भी है थ्री भी है फोर भी है फाइव भी है और एक और है कौन सा एक और बताइए जो दिख नहीं रहा बट है असल में और ये खत्म नहीं हुए अभी और भी है इसके, क्या, हुआ? ये, sign, इसके मैंने क्या कहा सारे सबसेट जितने भी बन सकते हैं और क्या बन सकता है वन टू भी तो बन सकते हैं इसी तरह वन थ्री भी बन सकते है इसी तरह वन फोर भी बन सकता है वन फाइव भी बन सकता है है ना और वन टू थ्री भी बन सकता है जितने भी सोन मतलब इस तरह से जितने भी उसके सबसेट बन सकते हैं और भी जितने बन सकते हैं ठीक है वन टू थ्री देन टू थ्री फोर टू थ्री फोर देन और क्या बन सकता है थ्री फोर फाइव देन और फोर फाइव वन है ना ये सारे और एक पूरा भी बन सकता है ये ये सारे सबसेट जो हैं मिलके पावर सेट बनाते हैं ठीक है जी फाइन सबको समझ में आया सो so यही था आपका पावर सेट जिसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इमेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक चलो एक बार सारा देख लेते हैं जो जो हमने किया है देन एंड देन वी विल एंड द सेशन तो सबसे पहले सेट्स का मतलब बताया यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में ये तीनों लॉस पढ़े आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये यूनिवर्सल सेट इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हमने समझा पावर सेट के बारे में समझा डिसजॉइंट सबसेट ये सारे समझे तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ख़त्म क्वेश्चन जैसे इस बार आपको बने थे ना मेरी वीडियो देखिएगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के 2023 के क्वेश्चंस भी के पे भी इसमें क्वेश्चन से आए थे ये जो है ना इस इन लॉज में से उसने पूछा था नीचे दिए गए जो लॉज है इनमें से कौन सा सही है ऐसे करके आया था तो आपको वो चूज करने थे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये प्रॉपर्टीज है ना यह, यहाँ यहाँ से भी आए थे क्वेश्चन ये वाले दिस यहाँ से भी आ, यहां से तो मैंने बता दिया यहाँ से भी आ properties. Basically, properties से ये प्रॉपर्टीज बेसिकली इसमें प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टीज वाली एग्जाम में जरूरी नहीं है कॉम्प्लीमेंट को वो हो सकता है आपको डैश लिखा हो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हो सकता है उसने डैश लिखा हो तो पता होना चाहिए ठीक है चलो ओके सो वी विल एंड द सेशन अभी प्लस पे नया बैच स्टार्ट हो चुके हैं आज उसी की क्लास है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टेक